Namaste and welcome to another episode on the Dynamite Mail where I bring you the best in men's fashion and grooming game. Video start करने से पहले 6 ऐसी jeans fitting के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी fitting इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि आपकी body type पे वो suit करे और कौन से outfitter आप उसको पहन सकते हो, उसको pair कर सकते हो ताकि आपकी look एकदम next level पहुंच जाए. So without wasting any more time, start करते हैं हमारी video के साथ में. So starting with the fitting number one, which is the slim fit. Guys, बात सुन लो मेरी, जितनी भी सारी jeans fitting है सब side में slim fit side में, because सबसे ज्यादा best जो look देगी मतलब आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से बिल्कुल फिटिंग वाली वो ये वाली जीन्स है. तो मेक श्योर जब भी आप इसको पहनो इसके कुछ ऐसे फिटिंग पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. तो ये थोड़ी सी हल्की सी फिटेड के अंदर होती है. बात करें थाइस की तो थाइस में हल्की सी ये टाइट होती है, जब नीचे की तरफ जाते हैं ऑन द नी सेक्शन हल्की हल्की खुली होनी स्टार्ट हो जाती है एंड साथ में आपके काव्स एरिया से वहां पे हल्की टाइट होती है लेकिन फिर भी थोड़ी सी रूमेर होती है तो उसको बनाती है वो एक स्लिम फिट जीन्स. एंड इस जीन्स का सबसे बेस्ट पार्ट है कि थाइस से बिल्कुल टाइट होती है और आपके एस एरिया से वहां से भी बिल्कुल टाइट होती है तो बहुत अच्छी शेप निकल के आती है एंड यू लुक स्लिमर. किसी भी आउटफिट आप पहनो बट मेक श्योर इसके साथ आप रिलैक्स फिट अपर नहीं पहन सकते, आपको हमेशा स्लिम फिट अपर ही पहनना पड़ेगा एंड इसके साथ अच्छे अच्छे स्नीकर्स पेयर करो एंड यू विल लुक अमेजिंग. आजकल के लोग थोड़े से एस्थेटिक के 14 हो चुके हैं तो इसलिए वो रिलैक्स फिट ये सब के पीछे भागते हैं, लेकिन जो बेसिक और थोड़ी मिनिमल लगती है, जो सोफेस्टिकेटेड लगती है, दिस इज द स्लिम फिट जीन. सेकंड टाइप्स ऑफ जीन फिटिंग जो आपने बहुत सारे लोगों को रील्स में पहनते और टिकटॉक में पहनते हो देखा होगा, विच इज द स्किनी फिट जीन्स. ये वाली जीन्स बिल्कुल नहीं पहननी है, वो इतनी टाइट होती है कि आपकी एस एकदम अलग से निकल गई, वो जैसे जिम फिटिंग वाली होती है ना लड़के जो पहनती है वैसे ही आपकी लुक आ जाएगी. तो वो चीज हमने नहीं करनी बिकॉज इट लुक्स फेमिनिन. स्किनी जीन्स बिल्कुल भी नहीं पहननी, ये एकदम रॉन्ग है, पहनोगे तो आप छपरी के कैटेगरी में आ जाओगे. थर्ड टाइप ऑफ जीन्स फिटिंग इज द रेगुलर फिट जीन्स. गाइज ये भी स्लिम फिट के बाद थोड़ी सी अच्छी फिटिंग के अंदर आती है बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं होती और काफी सोफिस्टिकेटेड लगती है. अब आपके एस एरिया से फिटिंग जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल सी होती है, मतलब ऐसे लटकती नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होती, एकदम नॉर्मल सी जो अच्छी भी लगती है. हल्का सा थाई सेक्शन से आपको थोड़ा सा रूमियर लुक मिलती है जिससे कि आप काफी सोफिस्टिकेटेड लुक अचीव करते हो. एंड कंफर्ट की बात करें तो कंफर्टेबल बहुत ही ज्यादा है. जब जब भी आपको कोई जीन्स का कंफर्ट चेक करना होना तो एकदम बेंड कर जाओ, आप देखोगे नी सेक्शन से हल्की सी अगर फिर भी रूमियर है इसका मतलब वो कंफर्टेबल है. तो ये वही चीज है. एंड व्हेन इट कम्स टू द काफ्स तो एज कंपेयर टू थाइस थोड़ी सी थाइस से हल्की सी टाइट होगी लेकिन उससे खुली आपको काफ्स पे मिलेगी जो एक प्रॉपर रेगुलर फिट बनाता है. एंड इसके साथ आप कोई सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहनो, एक नॉर्मल शर्ट या प्लेन टी शर्ट्स तो बहुत ही ज्यादा क्लासी लगती है. और रेगुलर फिट में सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि जब आप उसको पहनते हो और अगर आपको सपोज फिट नहीं पसंद आता तो आप जाके टेलर के पास जा सकते हो, वहां पे आप प्रॉपर फिटिंग भी करा सकते हो. मतलब आपको कहीं से भी ज्यादा खुली लग रही है तो आप वहां से जब टाइट कराओगे आपके ऊपर वो एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगी. रेगुलर फिट में सबसे बेस्ट जीन्स जो मैंने आज तक पहनी है एक पेपे जीन से और साथ में लिवाइस. लिवाइस की बहुत ही ज्यादा वो सस्ती वाली है, मतलब बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज के अंदर है. लिंक आपको ऑफ कोर्स मिल जाएंगे सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फोर्थ टाइप ऑफ जीन्स फिटिंग इज द रिलैक्स फिट फिटिंग. अगर आपको एस्थेटिक के 14 बनना है तो आप डेफिनेटली इसको ऐड कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरी लगती है लेकिन अच्छी लगती है, स्पेशली अगर आप थोड़ी सी स्किनी कैटेगरी के अंदर हो तो आप डेफिनेटली अच्छा लगोगे. अगर कोई बल्की बंदा ना और वो रिलैक्स फॉर्म लगे तो वो ज्यादा बल्की लगता है तो वो चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती. बात करें इसकी फिटिंग के बारे में, देखो रिलैक्स फिट ना प्योरली रिलैक्स होती है लेकिन इसका मतलब यही नहीं आप नीचे बॉटम में रिलैक्स फिट पहन रहे हो और अपर के अंदर आप एकदम स्लिम फिट वाली टी शर्ट पहन रहे हो, इट विल डेफिनेटली मेक यू लुक वेरी स्टूपिड. तो अपर और आपका लोअर एकदम रिलैक्स फॉर्म के अंदर होना चाहिए एंड साथ में बढ़िया से स्नीकर्स ऐड करो. बात करें रिलैक्स फिट की फिटिंग की तो देखो ये बिल्कुल हर जगह से खुली होती है, आपकी थाइस से खुली होगी, आपके बट एरिया से भी खुली होगी, बट एरिया से इतनी ज्यादा खुली नहीं होगी, थोड़ी सी स्नग सी होगी ताकि वो एकदम परफेक्ट शेप बनाए जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है. एंड जब आप इसको पूरे आउटफिट में पेयर करते हो ना तो बेस्ट थिंग इज आप यहां पे कोई बढ़िया से स्नीकर्स ऐड करो एंड क्या होगा कि आपकी जो जीन्स है ना रिलैक्स फिट जीन्स वो आपके स्नीकर्स के ऊपर ऐसे करके पड़ेगी एंड इट विल लुक डैम गुड. तो डेफिनेटली ये एस्थेटिक अफोर्डेबली लुक है लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी लगती है तो आप जरूर अपने लिए ट्राई कर सकते हैं. नंबर 5 इज द स्ट्रेट फिट जीन्स. ये भी एक बहुत ही बढ़िया लेवल की जीन्स है, मतलब काफी ज्यादा अच्छी और एस्थेटिक लगती है. तो इसके अंदर फिटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको अपनी बट एरिया से काफी स्नग मिलेगी, आपकी थाइज एरिया से भी काफी स्नग मिलेगी लेकिन आपके जो काव्स है वहां पे हल्की सी रूमियर होगी लेकिन आपको जो पूरी लुक मिलेगी ना विच इज इन दी स्ट्रेट फॉर्म. एंड वेन यू पेयर इट राइट विद योर अमेजिंग स्नीकर्स, आपके जो स्नीकर्स के ऊपर ऐसे करके वो बिल्कुल सीधापन पड़ेगा ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी. स्ट्रेट फिट जीन्स जो है वो ज्यादा रिलैक्स फॉर्म नहीं लगती और ज्यादा स्लिम फिट भी नहीं होती तो इसके साथ आप अपना रिलैक्स फिट अपर भी पहन सकते हो या स्लिम फिट अपर भी पहन सकते हो, मतलब टी शर्ट्स वगैरह, तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है.
कमिंग ऑन द बेस्ट जीन्स फिटिंग गाइज, ये वाली मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है बिकॉज मैं थोड़ा सा टॉल हूँ, 6 feet के आसपास हूँ, मेरे ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी लगती है, दैट इज दी बेल बॉटम जीन्स। बेल बॉटम जीन्स जो है वो 90s का फैशन है एंड वो आज के टाइम पे वापस आ चुका है। तो क्या है कि ये चीज ना आपकी लुक को काफी डिफरेंट लेवल पे लेके जाती है अगर आप इसको पहनते हो। बात करें इसकी फिटिंग की, सबसे पहले आपकी एस एरिया से काफी स्नग होगी, आपकी थाइज एरिया से बिल्कुल टाइट होगी, बिल्कुल स्नग होगी एंड इट विल गिव यू अ बेल बॉटम शेप। बात करें इसकी पेयरिंग की, आप कैसे आउटफिट के साथ इसको पेयर कर सकते हो, अगर आप एक नॉर्मल टी शर्ट के साथ पहनो तो भी अच्छी लगेगी, अगर आप नॉर्मल प्लेन व्हाइट शर्ट पहनो या कोई और कलर की शर्ट पहनो उसके साथ डेफिनेटली अच्छी लगेगी। तो कौन सी जीन्स आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से पहननी है, देखो अगर आप बिल्कुल स्किनी हो तो आप स्लिम फिट पहन सकते हो, आप रिलैक्स फिट पहन सकते हो, आप स्ट्रेट फिट पहन सकते हो, आप बेल बॉटम भी पहन सकते हो, ये सारी आपके ऊपर काफी अच्छी लगेगी, बस स्किनी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। सेकेंड टाइप, अगर आपकी थोड़ी सी मीडियम बिल्ड है तो यहाँ पे अगेन स्लिम फिट आपके ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ट लगने वाली है। अगर आपकी थोड़ी बहुत बॉडी है, अगेन इस बॉडी टाइप में सारी की सारी जीन्स बहुत अच्छी लगेगी सिर्फ स्किनी को छोड़ के, तो आप कोई मर्जी पहनो। थर्ड टाइप ऑफ बॉडी बिल्ड इज, अगर आप थोड़ी सी हैवी कैटेगरी के अंदर आपकी थोड़ी सी बल्की बॉडी है तो यहाँ पे आपको स्लिम फिट पहननी है, रेगुलर फिट पहननी है, रिलैक्स और स्किनी आपको कभी भी नहीं पहननी। स्ट्रेट फिट भी आप पहन सकते हो लेकिन बेल बॉटम भी आपके ऊपर इतनी सूट नहीं करेगी, तो ऑलवेज स्टिक टू दीज फिटिंग्स। अगर आपके पास ऐसी कोई भी जींस है जो आप नहीं पहनते हो या फिटिंग की वजह से नहीं पहन पाते हो, टेक इट टू द टेलर, उसको आपको बताना है कि एस एरिया से आपको थोड़ी सी टाइट चाहिए, आपकी वेस्ट से नॉर्मल बिल्कुल कि आपको बेल्ट की जरूरत ना पड़े, आपकी थाइस से बिल्कुल स्नग हो और आपके नीज और काव्स एरिया से हल्की सी रूमियर हो, इट विल गिव यू अ स्लिम फिट लुक। तो आपकी किसी भी टाइप की जीन्स हो आप उसको सही करा सकते हो एक टेलर के पास। तो गाइस ये सारी चीजें थी हमारी जीन्स फिटिंग की कि आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कैसे पहननी है और कौन सी आपके ऊपर सबसे बेस्ट लगेगी। जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक अच्छी क्वालिटी की जीन्स और साथ में एक अफोर्डेबल के, सबके लिंक्स आपको नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और पसंद सच में आई हो तो लाइक ठोक देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक मत करना। और गाइस इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लेना, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायमंड मेल। बहुत सारी चीजें होती है जो हम यूट्यूब पर नहीं डाल पाते वो इंस्टाग्राम पर डालते हैं, स्पेसिफिकली हमारी जो ट्रैवल आजकल हम कर रहे हैं वो बहुत डाल रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, आपको दिख रहा होगा पीछे फीता, तो इसकी जो सारी अपडेट्स है वो आपको इंस्टाग्राम पे ऑफकोर्स मिलेगी, और यू कैन फॉलो fita.in ऑन इंस्टाग्राम एंड चेक आउट आवर वेबसाइट www.fita.in फॉर योर प्रीमियम शू केयर एसेसरीज। अभी एक प्रॉपर लॉन्च हम यूट्यूब पे आपके लिए करने वाले हैं तो थोड़ा सा वेट। और गाइस अभी आज की वीडियो के बाद में हमारी एक पूरी की पूरी एक सीरीज लॉन्च हो रही है, स्किन केयर एंड हेयर केयर सीरीज, तो होगी वो तगड़े लेवल की बिकॉज बेसिक से उठ के हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो वेल रिसर्च वेल क्रिएटेड वीडियो आपको मिल जाएगी ताकि आपको कोई भी स्किन केयर एंड हेयर केयर इश्यूज नहीं आए बिकॉज यू आर ऑन द डायनामाइट मेल चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।